दाहोद में बीजा दिवसे वधु चार महिलाओं कोरोना मुक्त थता हॉस्पिटल मांथी रजा अपाई। दाहोदवासीओ माटे राहतना समाचार। दाहोदमांथी आजे सतत बीजा दिवसे पण वधु चार महिलाओं कोरोना ने मात आपता हॉस्पिटल मांथी रजा अपाई हती। दाहोदमांथी अत्यार सुधी 26 लोको कोरोना मुक्त थया हता। हवे फक्त 8 कोरोना संक्रमितना दर्दीओ सारवार हेठळ हॉस्पिटल मां छे। दाहोदनो पुनः एक वक्त कोरोना मुक्ति तरफ पण्यार। जो कि सरकारी क्वॉरंटाइन में तेमज होम क्वॉरंटाइन में मळी कुल 5000 उपरांत लोग आरोग्य तंत्र की निगरानी हेठळ छे। आरोग्य विभागे 3000 उपरांत लीधेला सैम्पलों में मोटा भागना रिपोर्ट नेगेटिव आया था, त्यारे केटलाकना रिपोर्ट हाल पेन्डिंग छे। कोरोना सामेनी जंग में दाहोदनो सक्सेस रेट 70% थी पण वधु छे। कोरोना मुक्ति में दाहोद जिल्लो गुजरात में अग्रेसर रहेवा पाम्यो छे। दाहोद में गई तारीख 18मीना रोज सक्षम अधिकारी नी मंजूरी वगर दाहोद थी अमदावाद तेमज दाहोद परत आवेली 3 महिलाओं सहित कोरोना पॉजिटिव आवेली 4 महिलाओं आज रोज कोरोना मुक्त थता तेओने झायडस हॉस्पिटल तेमज कोविड केर हॉस्पिटल मांथी रजा आपी घरे मोकलती वेलाए हॉस्पिटलना हाजर तबीबो तेमज आरोग्य कर्मीओ सहित 100 कोईए ताळीओना गड़गड़ाट वच्चे तेओने घरे मोकल्या हता। कोरोना महामारीए समग्र देश में काळो केर वर्त्यो छे। आ महामारीना लीधे तमाम परिस्थितिओनी वच्चे उगता सूर्यनी प्रवेशद्वार तेमज आदिवासी बाहुल्य धरावता दाहोदमांथी सारा समाचार आवी रह्या छे, जेमां दाहोदमां कोरोना महामारीमां सपड़ायेल केसो झड़पभेर साजा थई पोताना घरे जई रह्या छे। दाहोदमां अत्यार सुधी कुल नोंधायेल 34 जेटला केसोमांथी 26 लोको कोरोना मुक्त थता कोरोना सामेनी जंगमां दाहोदनो सक्सेस रेट 70% उपरांत पहोंचवा पाम्यो छे, जे खरेखर सारी बाबत छे। दाहोदमां गत तारीख 15मीना रोज अमदावादथी वगर पास परमिशन वगर आवेली दाहोदना डबगरवासनी रहेवासी मधुबेन बुराभाई परमार, भीकीबेन रमनलाल परमार, सुशीलाबेन मफतलाल परमार तेमज गत 14मी तारीखे मुंबईथी दाहोद आवेली झालोद तालुकाना सीमलियानी ललिताबेन किशोरी सहित 4 महिलाओ तारीख 18मीना कोरोना पॉजिटिव आवी हती। त्यारबाद उपरोक्त 4 મહિલાઓને ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે મોકલવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ આ 4 મહિલાઓ ઝડપભેર સાજી થતા 3 મહિલાઓને કોવિડ કેર સેન્ટરમાં રિફર કરી હતી, ત્યારે આ 4 મહિલાઓ કોરોના મુક્ત થતા આજ રોજ હોસ્પિટલમાંથી રજા મળતા હોસ્પિટલના તબીબો આરોગ્ય વિભાગ સહિત 100 કોઈએ તાળીઓથી વધાવી લીધી હતી। જો કે દાહોદમાં અત્યાર સુધી 34 કેસો નોંધાવા પામ્યા હતા, જે પૈકી કુલ 26 લોકો કોરોના મુક્ત થતા હાલ 8 કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે।